जी बर, तो पंजाब में बाइक प्रोग्राम शुरू हुआ है, बाइक स्कीम शुरू हुई है जिसके जरिए आप फ्री में बाइक ले सकते हैं। तो फ्री में आप बाइक किस तरह से लेंगे वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मीजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी तमाम वीडियोज आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन आप पंजाब बाइक स्कीम हैज बीन स्टार्टेड आपने इसके ऊपर टिक कर देना है, सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपने सिंपल सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है bike.punjab.gov.pk, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। जब आप इनके ऊपर टिक करेंगे तो पहले पहले ऑप्शन पर यहां पर आप 3 लाइन नजर आएंगी, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद आपको लॉग इन टू अप्लाई वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इनके ऊपर टिक करने के बाद आपको आपका नाम मांगा जाएगा, तो यहां पर आपने अपना नाम सीनासी जो कुछ भी आपने यहाँ पर दे देनी है। अगर आप पहले से अकाउंट बना चुके हैं तो यहाँ पर आपने अपना NIC नंबर, उसके बाद अपना पासवर्ड, उसके बाद जो भी ये यहाँ पर नंबर होंगे शो होंगे आपके सामने, वो नंबर आपने यहाँ पर एंटर करके रिमाइंडर और आला ऑप्शन पर टिक करके लॉग इन कर देना है। अगर आपके पास अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है और पहली बार आप इस वेबसाइट पर आए हो तो नीचे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप रजिस्टर्ड करें। रजिस्ट्रेशन पर टिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फुल नाम देना है जो कि आपका एज पर CNIC पर मौजूद हो, और उसके बाद आपका CA जो कि ईमेल एड्रेस आपने यहां पर दूसरे नंबर पर दे देनी है, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर दे देना है। CNIC नंबर देने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप फीमेल हैं या फिर मेल हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड किस तरह से डाल देना, आपने यहां पर पहला वर्ड अपने नाम हो, नाम का हो, शहर का हो, सिटी का हो, कुछ भी हो, पहला लेटर यानी कि बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद बीचों बीच स्पेशल करेक्टर, उसके बाद आपने 3-4 पीछे से नंबर लगा देने, उसके बाद सेम पासवर्ड आपने यहां पर री इंटर पासवर्ड डाला है, फिर टिक करके यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर्ड तभी होगा भाई जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा तो आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो व्यूअर, अगर इसका आप क्राइटेरिया रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ओके होम पेज पर आकर इसकी सारी पॉलिसीज को फॉलो करके उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए इनकी सारी पॉलिसीज दे हुई हैं। अगर यहाँ पर आपने इनका लेफ्ट टाइम भी बताया है कि अभी 18 दिन अभी बाकी है इसकी एप्लीकेशन लेने में हमें। तो व्यूअर, यदि आज का हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मीर्जात को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तमाम वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।